रविवार को अशोक सम्राट नगर स्थित सैनिक संस्थान में पाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति की ओर से पालधा नगर बघेल के मेधावी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं समिति के जिला अध्यक्ष मदन पाल एवं संचालन महामंत्री संजय पाल ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय पाल महासभा गडरिया महासभा लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल पाल व महामंत्री राम खिलावन पाल और असिस्टेंट कमिश्नर GST रमेश वर्मा, एक्स एडिशनल कमिश्नर GST भारत सरकार RN पाल, नगर निगम मुरादाबाद अधिशासी अभियंता विजेंद्र कुमार पाल, वरिष्ठ समाज सेवी कार्यकर्ता गाजियाबाद कैप्टन राज नारायण पाल रहे। सर्वप्रथम माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर सभी ने माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पाल बघेल धानगर समाज के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी 150 से अधिक छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज के मेधावियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र अपने समय का सही सदुपयोग करें तो आगे बढ़ें और समाज को ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस मौके पर आवाज विकास के ADCO कुलदीप सिंह पाल, नरेश कुमार पाल, विनोद कुमार पाल, नेपाल सिंह पाल, अजयवीर सिंह, उदयवीर सिंह, रामवीर सिंह पाल, भीम सिंह पाल, भूकन सरन, रवि पाल, राजू पाल, विनय कुमार पाल, गजराम सिंह, सूरज सिंह पाल, नेत्र राम पाल, महावीर सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर पूर्णिमा पाल, राजपाल, दयाराम, सुनील पाल, ललित पाल, चंद्रपाल सिंह, सतपाल सिंह, डॉक्टर नीति पाल, सुभाष चंद्र पाल, मुरारी लाल पाल आदि भारी संख्या में पाल समाज के लोग उपस्थित रहे। नाम है आपका? अनिल पाल। कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है आज देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती में मनाते हुए, और जो बच्चे हमारे अच्छे अंकों से पास हुए हैं उनका हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का? उद्देश्य का समाज में शैक्षिक रूप से लोग कैसे जागरूक हों, आर्थिक रूप से लोग कैसे जागरूक हों, और एक जो हमारा भारत है इस समय युवा भारत है, सबसे ज़्यादा संख्या जनसंख्या भारत की है इस समय पूरी दुनिया में, और इस भारत में भी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा युवाओं की है। अगर हम युवाओं को अच्छा संदेश देंगे और उनको जागरूक करेंगे तो वो राष्ट्र निर्माण में भी मदद करेंगे, समाज में भी मदद करेंगे, एक अच्छे शहरी बन के हर आदमी के दुख दर्द में उनके साथ शामिल होंगे। हर साल ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है, और इस कार्यक्रम को जो है पाल समाज सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति जो है वो आयोजन करती है, जिसके मदन पाल जी, संजय पाल जी ये लोग हैं, ये बहुत बधाई के पात्र हैं जो इन बच्चों के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम इनको भी बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहेंगे कि अगली बार और इससे भव्य कार्यक्रम करें। ये मेरा यहाँ दूसरा चक्कर है इधर, और निश्चित रूप से ये बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सर, बच्चों को सम्मानित किया गया है किस वक्त? जी, बच्चों को सम्मानित किया गया है जी, किस वक्त? क्या करना चाहेंगे, क्या कुछ करेंगे? नहीं, बच्चों को उनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उनसे चाहेंगे वो कि एक अच्छा पढ़ लिख करके एक अच्छे शहरी बने, एक अच्छे इंसान बने, और इसके साथ साथ जो जहाँ नीतियाँ बनती हैं उन परीक्षाओं को बीट करें, जैसे UPSC हो गया, नीट हो गया, तो जब अच्छी जगह बच्चे पहुँचेंगे तभी समाज और सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आज का कार्यक्रम का उद्देश्य है जो हाई स्कूल इंटर में अच्छे अंक से बच्चे पास हुए हैं उनको ये पाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति सम्मानित कर रही है, इससे कि बच्चे आगामी वर्षों में और अच्छे अंक लाकर अच्छे स्थान प्राप्त कर सकें। कितने बच्चों को सम्मानित किया है? लगभग अभी तक 150 बच्चे हमारे पास आए हैं, इनको हम सभी को सम्मानित करेंगे और बच्चे आने की संभावना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को? समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी मेमोरी अच्छी है, इससे नौकरी तो वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक समाज को अच्छा वातावरण भी मुहैया कराएं जिससे एक अच्छा इंसान बन सके।